अगर दोस्तों ज़िंदगी में सुकून चाहिए ना तो घूमना सीखो। देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ क्राफ्ट म्यूज़ियम, और ये हमारा यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह का थोड़ा सा यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन है, मतलब गांव में कॉटेज वगैरह कैसे होता है, और हमारे जो इक्विपमेंट हैं जो बैल के द्वारा चलाया जाता है, संचालित किया जाता है, तो ये इक्विपमेंट्स हैं आपके, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें बजड़ी वगैरह घास वगैरह ले जाता है, इसमें भी ले जाया जाता है। जाहिर सी बात है इसमें इंसान तो बैठेंगे नहीं, इंसान के बैठने के लिए अलग अलग तरीके से होते हैं, और इतने तरीके से हमारे पास पहले जो इक्विपमेंट थे वो थे, अभी तो नहीं है फिलहाल। और हमारे देहात में ये हमारा एक मड़ई कहा जाता है, और मड़ई में सरपत का यूज़ होता है, और प्यूरा, सरपत एक घास है, लंबी घास उगती है उसका यूज़ होता है, और एक होता है प्यूरा। प्यूरा मतलब होता है जो आपका राइस होता है, चावल, उससे निकलता है, तो ऊपर से जो मतलब उसमें फली आती है वो निकालते हैं तो राइस निकलता है उसमें से, और नीचे जो हमारा घास बच जाता है वो पैडी का, तो आपका प्यूरा हो जाता है, तो उससे बनाया जाता है मड़ई। ठीक है, गोबर का लेप है, गोबर का लेप बहुत यूज़फुल होता है दोस्तों, कीड़े वगैरह ज़्यादा नहीं आते, बहुत ज़्यादा रिपेलेंट है, और इससे आप काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हो, बढ़िया सा बनाया है। देखिए आजकल तकनीकी ज़माने में फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पर रखा गया है, और आग तो लगी जाती है पहले, मगर ऐसा ये चीज़ नहीं होता, तो ये तो एडिशनल रखा गया है ताकि हम इसको प्रिजर्व कर सकें। और यहाँ पर आप कितनी ग्रीनरी देख रहे हो, मतलब आप घर पे बैठ के क्या करोगे, थोड़ा सा आओ इन्जॉय करो इस ग्रीनरी को। तोते चहचहा रहे हैं, चिड़िया बोल रही है, मैना घूम रही है, तो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन बनाया गया है, तो ये आपको देहात वगैरह में मिलता ही है, ऐसी क्रिएटिविटी आपको गांव में मिलनी चाहिए, और मैं तो मानना चाहता हूँ कि हमारे गांव में भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा छोटा मोटा एक जगह तो आप बना सकते हो। तो यहाँ पर आपका ऐसा भी दे रखा है, ये भी बना सकते हो आप, छोटी मोटी जगह सिर्फ इंजॉय के लिए, एक परसेप्शन मतलब एक इंजॉय करना चाहते हो आप, तो आप बनवा सकते हो ऐसा। तो पूरा यहाँ पे कॉटेज अलग अलग तरह का दे रखा है, कैसे कैसे होता है, और किचन का अलग बनाया जाता है, मकान का अलग है, तो किचन का थोड़ा ओपन होता है जगह, यहाँ पे गिलहरियाँ भी हैं, अपना खाना वगैरह कुछ ना कुछ खाती रहती हैं जो मिल जाता है, कौवे भी चहचहा रहे हैं, और पेड़ देख लीजिए कैसे बढ़िया सा डिज़ाइन आपको मिलेगा, ऐसा कोई लगाना नहीं चाहता। आप रोड पे देखोगे पेड़ की हालत क्या होती है, यहाँ देखिए कैसे प्रिजर्व किया जाता है पेड़ों को। तो ये आपका सामान रखने का भी होता था इसमें, और इसमें कूटने वाला नहीं है, कुछ होता था इसमें, इसमें दूध वगैरह रखे जाते हैं, इसका छोटा पीस, इसमें गुड़ वगैरह भी रखा जाता है, कई सारे आइटम्स हैं आपके पास, इसमें भी आपका प्रिजर्व है। आप तो सारी चीज़ प्लास्टिक ने ले ली है, नहीं तो पहले गांव देहात में आपको यही चीज़ अवेलेबल होती थी। और ये अलग अलग जगह का दे रखा है, जैसे बन्नी हट गुजरात, ठीक है, गुजरात में ऐसे हट बनाए जाते थे। फिर हम उड़ीसा का कोर्टयार्ड देख लेते हैं कैसा है, उड़ीसा का है हमारा कोर्टयार्ड, ऐसे उड़ीसा में पाया जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ हम उड़ीसा के कोर्टयार्ड में आ गए, तो बढ़िया सा जगह है, आपके पास आंगन वगैरह सब होता था। अब हम चलते हैं नागालैंड, ये नागालैंड का है बिल्कुल, देख लीजिए कितनी मेहनत करी गई है, कारीगरी करी गई है चीज़ों को बनाने के लिए। तो अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग चीज़ें हैं, और लाइफ को एक्सप्लोर किया जा रहा है,